राजस्थान में भाजपा के लिए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करना किसी सिर दर्द से कम नहीं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हुए लगभग 2 सप्ताह बीत चुके हैं। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए जोधपुर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लगभग तय कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री राजे शायद इस नाम से सहमत नजर नहीं आ रही। इसी संदर्भ में राजे ने गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और प्रदेश अध्यक्ष जातिगत समीकरणों के आधार पर बनाए जाने की बात कही, लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व गजेंद्र सिंह के पक्ष में नजर आ रहा है। वहीं इस खींचतान में सांसद नारायण पंसारी का नाम भी आगे आ सकता है। फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर्नाटक चुनाव तक टलती नजर आ रही है। इसी वर्ष राजस्थान में हुए 3 उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने के कयास लगाए जा रहे थे। इसमें करीब 2 सप्ताह पहले प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया, या यूं कहें कि ले लिया गया, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुख्यमंत्री खेमा लामबंद हो चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अध्यक्ष पद के लिए सुझाए गए नाम गजेंद्र सिंह शेखावत पर सहमति नहीं दी। इस सिलसिले में पिछले दिनों राजस्थान के कई मंत्री, जिसमें यूनुस खान, हेम सिंह भड़ाना, कालीचरण सर्राफ सहित अनेकों मंत्री और विधायक राज्य के समर्थन में पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष जातिगत समीकरण के आधार पर बनाने की बात कही, लेकिन शायद बात बनती ना देख स्वयं मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात की। उस पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वहीं राज्यसभा सांसद नारायण पंसारी का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिया जाने लगा है। फिलहाल कर्नाटक चुनावों तक मामला अटक गया है। दिल्ली में राजस्थान के कई मंत्री और विधायकों ने डेरा डाला हुआ है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कृषि राज्य मंत्री का नाम लगभग फाइनल किया जा चुका है, लेकिन वसुंधरा खेमा जातिगत आधार पर अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत कर रहा है। जबकि कारण सिर्फ यही है कि गजेंद्र सिंह राजे के विरोधी माने जाते हैं और राजे किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि शेखावत अध्यक्ष बने। ऐसे में इसका खामियाजा प्रदेश में भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ सकता है।